एक पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया मीनू उसकी बड़ी माँ और उसकी बेटी रीनू के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के माँ बाप नहीं थे। मीनू चिड़िया की बड़ी माँ उससे सारा घर का काम करवाती थी और वह खुद पूरे दिन आराम किया करती थी। एक दिन मीनू और रीनू चिड़िया दोनों साथ में खेल रही थी, तब रीनू चिड़िया को गलती से चोट लग जाती हैं और वह जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी रीनू चिड़िया की माँ वहाँ आ जाती हैं और रीनू चिड़िया को रोता देख रीनू चिड़िया की माँ मीनू चिड़िया से कहती हैं, यह सब तुमने ही किया होगा। मीनू चिड़िया अपनी बड़ी माँ से कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे नहीं मारा, वो गलती से लग गया था। पर मीनू चिड़िया की बड़ी माँ उसकी एक बात नहीं सुनती और छड़ी से मीनू चिड़िया को मारने लगती हैं। नन्ही मीनू चिड़िया खूब रोती हैं। एक दिन नन्ही मीनू चिड़िया को बहुत तेज़ बुखार था, पर मीनू चिड़िया की बड़ी माँ उससे कहती, देख मीनू, तुझे दाने तो ढूंढ के लाने ही होंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, तो दाने नहीं लाएगी तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। अब नन्ही मीनू चिड़िया सोचने लगती हैं कि मुझे तो इतना तेज़ बुखार है, पर मैं दाना लेने नहीं गई तो मुझे बड़ी माँ खाना नहीं देगी। नन्ही मीनू चिड़िया तेज़ बुखार में भी दाना खोजने के लिए जंगल में चल पड़ती हैं। नन्हे मीनू चिड़िया को पता था कि यदि वो दाना नहीं लेकर गई तो उसकी बड़ी माँ उसे आज खाना नहीं देगी। पर मीनू चिड़िया को इतना बुखार था कि वह उड़ते उड़ते थक जाती हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ अपनी माँ को याद कर कर रोने लगती हैं। मीनू चिड़िया का बुखार इतना तेज़ था कि वह कपकपाने लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जिस पेड़ के नीचे नन्ही मीनू चिड़िया बैठकर रोती हैं, उसी पेड़ की एक डाली पर उस एक चिड़िया का घर था जो यह सब देख रही थी। नन्हे चिड़िया के बच्चे की हालत देखकर उस चिड़िया को दया आ जाती है। वह चिड़िया नन्हे मीनू चिड़िया को अपने घर लेकर आती हैं और उसका खूब ख्याल रखती हैं। जब नन्ही मीनू चिड़िया होश में आती हैं तो वह चिड़िया नन्हे मीनू चिड़िया से पूछती हैं कि तुम इतनी तेज़ बुखार में घर से बाहर क्यों निकले, तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोका नहीं? तब नन्ही मीनू चिड़िया उस चिड़िया से कहती हैं, मेरी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है और मेरी एक बड़ी माँ है जिसने मुझे दाना लाने के लिए जंगल में भेजा था और उन्होंने कहा था कि दाना नहीं लाने पर वह मुझे खाना नहीं देगी। नन्ही मीनू चिड़िया यह उस चिड़िया से कहकर रोने लगा। वह चिड़िया नन्हे मीनू चिड़िया से कहती हैं, आज से तुम यहीं मेरे घर पर रहना, मेरा घर बहुत बड़ा है, यहाँ मैं अकेले ही रहती हूँ। अब उस चिड़िया ने उस नन्हे मीनू चिड़िया को अपने घर में ही रख लिया था। अब नन्हे मीनू चिड़िया अपने नए घर में बहुत खुश रहती, बहुत मस्ती करती थी। दोस्तों, आपको ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी स्टोरियाँ मिलती रहें। सुंदर वन जंगल में दो चिड़िया दोस्त मीनू और गोपी रहते थे। दोनों चिड़िया की दोस्ती बहुत ही मजबूत थी। गोपी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि गोपी चिड़िया का घर टूट गया। गोपी चिड़िया अपने टूटे हुए घर को देखकर बहुत परेशान हो गई। वह बहुत उदास रहने लगी। और वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया का घर पक्का होने के कारण और बहुत मजबूत होने के कारण तूफान से उसका कुछ नहीं हुआ। तूफान के थमने के बाद मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से मिलने आती है। गोपी चिड़िया को उदास देख मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती है, अरे गोपी, तू इतनी उदास और परेशान होकर क्यों बैठी है? तब गोपी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, देखना मीनू, इस तूफान ने तो मेरे घर को ही बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया घर को, अब मैं कहाँ रहूँगी? तब मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती है,
तुम चिंता क्यों करती हो गोपी? तुम मेरे घर पे रह लो, इस तूफान ने मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ा। मीनू के बार बार कहने पर गोपी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर रहने को तैयार हो जाती है, लेकिन वह उदास ही रहती। गोपी चिड़िया की उदासी देखकर मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती है, चलो अपन दोनों जंगल की सैर कर कर आते हैं, उससे तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अब गोपी चिड़िया और मीनू चिड़िया जंगल की सैर करने के लिए चल पड़ते हैं। जंगल की सैर करते करते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखाई देता है। मीनू चिड़िया और गोपी चिड़िया उस जादुई आइसक्रीम को पेड़ को देखकर उसके पास जाने की सोचते हैं। जब गोपी चिड़िया और मीनू चिड़िया उस आइसक्रीम के पेड़ के पास जाकर पहुंचते हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि कोई जादुई आइसक्रीम का पेड़ भी हो सकता है। मीनू चिड़िया और गोपी चिड़िया पेट भरकर उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम खाते हैं और मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती हैं, क्यों ना इसकी आइसक्रीम तोड़कर बाजार में बेचें और इस जादुई पेड़ की आइसक्रीम बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे तुम्हारे लिए एक पक्का मकान बनवा देंगे। गोपी चिड़िया मीनू चिड़िया के इस आइडिया से खुश हो जाती हैं और वो दोनों चिड़िया आइसक्रीम के पेड़ से सारी आइसक्रीम तोड़कर घर ले आती हैं। आइसक्रीम को घर लाने के बाद दोनों चिड़िया मिलकर आइसक्रीम बेचने लगती हैं। उनकी आइसक्रीम बहुत टेस्टी होने की वजह से सारी आइसक्रीम जल्दी ही बिक जाती है और उस आइसक्रीम से जो भी पैसे आते हैं उससे मीनू चिड़िया और गोपी चिड़िया एक अच्छा सा पक्का मकान गोपी चिड़िया के लिए बनवा लेती हैं। गोपी चिड़िया अपने पक्के मकान को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अब वह सोचती हैं कि अब कितना भी तूफान आए मेरे मकान को कुछ नहीं होगा। और गोपी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती हैं कि दोस्त, तुमने भी मेरी बहुत मदद करी मेरे इस मुश्किल के वक्त में। तब मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती हैं, ये तो मेरा फ़र्ज था, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आता तो ये दोस्ती किस काम की। और मीनू चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती हैं, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी यही करती ना। अब दोनों चिड़िया खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें हमेशा उसका साथ देना चाहिए। यही दोस्ती का असली अर्थ है।